नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से है। माह के प्रथम शनिवार को तहसील सदर मिर्जापुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें ज़्यादातर मामले जमीन से संबंधित आए। उसी क्रम में एक असहाय विधवा महिला अर्चना ने जिलाधिकारी दिव्या मित्तल का पैर पकड़कर रोने लगी। तत्पश्चात जिलाधिकारी दिव्या मित्तल भावुक होकर उसे उठाते हुए उसकी समस्याएँ सुनी और आनन फानन में महिला व उसके बच्चों को गेहूं, चावल व कुछ नगद रुपयों के साथ साथ उसका विधवा पेंशन व बाल सेवा योजना में पंजीकरण के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस प्रकार का जिलाधिकारी का व्यवहार देखकर लोगों ने सराहना भी व्यक्त की। आइए सुनते हैं कि इस असहाय महिला अर्चना के बारे में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल क्या बता रही हैं। देखिए, अर्चना जी हैं जिनके पति की एक दुर्घटना में 15 जून को मृत्यु हो गई और ये भूमिहीन भी है तो इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो उसके क्रम में एक हमारे जेस्चर के रूप में तहसील और ज़िला प्रशासन की ओर से इनको कुछ नगद रुपए और कुछ चावल और गेहूं दिया गया है। तो ये हमारे द्वारा से सहायता दी की गई है। उसके साथ साथ हम इनका विधवा पेंशन का फॉर्म भी भरवा दिया गया है और बाल सेवा योजना में इनके बच्चों का पंजीकरण भी करा दिया गया है। पारिवारिक लाभ का भी इनको लाभ दिया जाएगा। तो सारा लाभ मुझे उम्मीद है कि इनको अगले एक दो हफ्ते में हम लोग मुहैया करवा देंगे।